क्या हुआ कि बैग वहीं छूट गया। अब कैसे वापस आना नहीं पता। सब बस्टेड भाई था पुलिस भाई, अभी मेरे को पकड़ा हुआ था पुलिस वालों ने। इंसान का दिन कितना खराब हो सकता है मुझे ये बता दो। इतना खराब दिन नहीं देखा, बिना देखे बोर्डिंग सीट पे बैठी और अब फंस गया। पूछो कैसे। तो गाइस, इस स्वागत है आपका फोर्थ डे में, और अब चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट करके इस प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जाने का टाइम आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट सिटी हनोई, यानी कि अब हमारी सिटी है दो दिन के लिए हनोई। वहाँ पे रुकेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। बीच नहीं गए यार अभी तक, आया हूँ ना मैं, बीच नहीं गए, तो बीच भी जाएंगे वहाँ उस वाली सिटी में। तो अभी चलते हैं, एक घंटे की फ़्लाइट है, आधे घंटे का एयरपोर्ट का रास्ता है, तो सिटी चलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा दूसरी सिटी। भाई हम चले और कलेश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चले थे भाई, बस में बैगेजेस रखवाए थे, बैगेजेस रखे मेरा, मेरे भाई का, मेरी चाची का। तो क्या हुआ कि बैग वहीं छूट गया। अब कैसे वापस आना नहीं पता। अब बैग का वेट कर रहे हैं, फ्लाइट थोड़ी देर के अंदर ही है हमारी। लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। क्या कहते हो, ट्रिप एक्सटेंड कर दी जाए? लेट्स सी भाई क्या चलता है, क्या करते हैं। एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ बैगेजेस का, मिले तो सही, पहले आएंगे तो बाद में पहले मिलें कि है भी या नहीं है। भाई फाइनली बैगेज गया, मिल, चलो बच गए, फाइन पूछने लगा कोई चीज़ तरीके का। भाई सारी मुसीबतों को हटा के अब चेक इन का टाइम आ गया है। दूसरी सिटी, दूसरा मज़ा, दूसरा फन, मचे मचे। फाइनली लैंडेड इन द सिटी, और अब देखते हैं आगे क्या प्लान है। चेक इन शायद 2 बजे के आसपास है, तो उससे पहले कहाँ जाते हैं, लंच करते हैं, क्या करते हैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। फिर शाम को कहाँ जाएंगे, रात को पार्टी कर रहे थे, ज़रूर जाएंगे। सब बस्टेड भाई था पुलिस भाई, अभी मेरे को पकड़ा हुआ था पुलिस वालों ने, क्योंकि हमारे ग्रुप का कोई बंदा अपना फ़ोन छोड़ के आ गया था। तो भाई लिटरली हम फ़ोन उठा के ले आए, तो उसने कंप्लेंट डाली पुलिस वाले ने, पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने हमें यहाँ पे आके रोका, मेरे को भी रोका हुआ था इनके साथ। सो भाई अभी वो क्या हुआ है कि जो हमारे साथ ना पूरा ग्रुप था, तो पूरे ग्रुप में से जो दूसरा बंदा था ना, वो दूसरी फ्लाइट में था, तो अब वो फ़ोन छोड़ के भूल गया, तो हम उसका फ़ोन उठा के ले आए यहाँ पे। तो भाई उसने कंप्लेंट डाल दिया, अब वो बंदा को ले, पहले मेरे पास आए थे, फिर मैंने उन्हें क्लियर आउट किया कि नहीं हम नहीं थे, तो फिर वो अब उसे लेके गए पुलिस वाले क्लियर करने के लिए कि भाई क्या सीन है, देखते हैं अब क्या होता है, बताता हूँ आपको। सो गाइस दिस इज़ द व्यू, देखो जो मैं कह रहा था आप लोगों को, ये वाली जो सिटी है ये थोड़ी चहल पहल वाली सिटी है। ओहो, आई लाइक इट मैन, क्या देखो इसका स्ट्रक्चर ही अलग है, क्योंकि ये इनकी मेन सिटी है, तो इसका मज़ा अलग होगा। दो दिन यहाँ पे हैं हम, और अभी तो खैर मज़े ही मज़े। सो गाइस सिटी में तो आ चुके, अभी हमारा लंच करने का टाइम है, लंच करेंगे, और लंच करने के बाद घूमेंगे, होटल नहीं जा रहे हैं, चेक इन करेंगे शाम को, पहले घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर शाम को आराम से चेक इन करेंगे। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट जिसमें अभी हम। सो गाइस एज यूजुअल लंच हो गया है, लंच अच्छा था, ठीक था, काफ़ी फाइन था, मतलब इंडियन खाना तो कितना ही ढूंढ सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पे ऐसे रिक्शा टाइप चलती हैं खूब सारी। सो गाइस इस सिटी में क्या है कि ये थोड़ी ज़्यादा हैपनिंग लग रही है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसकी वाइब, और वो कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, फिर देखते क्या करते हैं। हनोई की खास बात ये कि यहाँ का पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा हाई है, और ऊपर से आगे कॉफ़ी बहुत फेमस, ट्राई करेंगे यहाँ की। तो पता नहीं यहाँ क्या हो गया कि भाई मेरे को बार बार शेव थी, आज फिर ज़रूरत पड़ गई है, क्या बीटी हो रही है। और सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, 3 बज चुके हैं, रात अभी लंच किया है, घूमेंगे फिरेंगे, शाम को शायद चेक इन होगा, लेट्स सी
व्हाट गोज ऑन। यहाँ की मोस्ट फेमस जगह पे आए हैं हम, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो मार्केट है जिसमें से ट्रेन निकल के आती है, ये वही मार्केट है। यहाँ पे हम कॉफ़ी पीने आए हैं, दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम कॉफ़ी पीएंगे, बड़ी फेमस यहाँ की, और यहीं से वो ट्रेन निकलती है ऐसे करके। अभी आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ट्रेन कैसे जाती है। तो ये वो कॉफ़ी है, फेमस कॉफ़ी जो यहाँ पे बहुत फेमस है, एग कॉफ़ी कहते हैं इसे। एक कॉफ़ी तो पी ली, अच्छी थी भाई, मैंने इतनी अच्छी कॉफ़ी बीन्स अपनी लाइफ में कभी ट्राई नहीं करी। बट लेट्स सी, दिस इज़ द स्ट्रीट वेयर आर वी, जो बहुत प्यारी सी स्ट्रीट है। रात को आऊँगा मैं पक्का 101% यहाँ पे इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने, क्योंकि जितनी इस स्ट्रीट में लाइटिंग है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल फोटोज़ क्रिएट करेगी, नेक्स्ट लेवल वीडियोज़ क्रिएट करेगी। उस ट्रेन ट्रैक वाली जगह से तो निकल गए भाई, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन तो आने वाली नहीं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो मत। मैं गर्ज कपड़े पहन लिए, मुझे पक्का लग रहा है ओवर साइज़ पहनने नहीं चाहिए थे, ओवर साइज़ पहन लिए। अब दो दिन यहाँ हूँ तो जितने कम कपड़े हो सकते हैं उतने कम पहनूँगा। अब सो नाउ वी आर एट आवर सेकंड प्लेस, जो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये टावर शायद इसमें पता नहीं कितनी फ्लोर हैं पर बहुत ऊँचा है, तो इसमें जा रहे हैं एंड लेट्स सी कैसा रहता है। अट्रैक्शन है यहाँ पर टावर्स की, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग। ये भाई एंट्री है यहाँ की, टू गो दिस इज द लिफ्ट, आ जाओ दबाओ 65 नंबर, दबाओ दबाओ 65 नंबर ना पूरा। इस व्यू के लिए आए हैं, पूरा सिटी भाई दिख रहा है इसमें से, बिल्डिंग्स। भाई ये देखो भाई, क्या क्रेजी है भाई, नीचे की बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है, और भाई ये सामने का व्यू, ओह यस आई लाइक इट। चिकाड़ी दिखती है। आज का चेक इन आज का होटल हमारा ये है, नोवोटेल। ओह माय गॉड, दिस इज द व्यू, दिस इज द रूम। भाई अभी तो इस शहर में घुसे भी नहीं है, अब यहाँ बारिश शुरू हो गई। दोपहर तक इतनी धूप थी और अब ऐसी बारिश हो रही है, मतलब कि पूछो मत भाई, इतनी ज़ोर से ये बारिश हो रही है भाई, तूफान आ रखा है पूरा। देखो ज़रा, इंसान का दिन कितना ख़राब हो सकता है मुझे ये बता दो। इतना ख़राब दिन नहीं देखा, बिना देखे बोर्डिंग सीट पे बैठी और अब फंस गया हो, पूछो कैसे भाई। यार फंस गया हूं मैं भाई आज। हाँ करता हूँ, हाँ दबाया, हाँ पीछे लाइटें जल रही है, दबा दिया, कर रहा हूँ for the pre-workout man, let's have a pre-workout and do workout.
गाइस ये कुछ इनके जिम है, बेसिक से जिम है, उस वाले जिम से। इसमें लाइटिंग तो बहुत ही कम है बट मशीनरी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमारे पास कुल मिला के अभी 30 मिनट्स भी पूरे नहीं है वर्कआउट करने के लिए, तो 30 मिनट में अपना वर्कआउट करते हैं, फास्ट 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 फास्ट, नो रेस्ट, एंड चलते हैं फिर अपना डिनर के लिए। भाई मैं वर्कआउट तो पूरा नहीं निकल रही थी, तो मैं फटाफट बस को कैच करने जा रहा हूँ। बस को कैच करना है, आके फिर वर्कआउट कंप्लीट करूँगा। लेट्स सी, डिनर आज का हल्का करेंगे। ये हमारा डिनर, ये है स्काई बार, यहाँ पे डिनर कर रहे हैं हम। डिनर करके घर जाएंगे, पार्टी करते हैं यहाँ की, पार्टी स्ट्रीट पे, और एंड यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या है पार्टी का सीन यहाँ पे, आई डोंट नो भाई, ये पूरी इनकी पार्टी। पार्टी